सबके राम राम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक है और हम भी ठीक है। और हमारे देश में आज वेदर तो अच्छा है। देखो पीछे, देखो पीछे, उधर घाम है। इसे उठा के दिखाई, देखो नाइस घाम है। और हम अपन यार्ड में बैठा है, अपन गार्डन के बीच में। तो हम सोचा कि चलो आज एक नया दिन शुरू करी, कुछ नया करी। आज हम बनाएगा कुमाला के स्नैक और कुमाला के फ्राइड राइस। तो आप लोगों चलो एंजॉय करो और देखो हम कैसे बनाता है कुमाला। तो आज हमारे मेन्यू में है चना और कुमाला के स्नैक और चना और कुमाला के फ्राइड राइस। तो एक स्किलेट में ऐड करो तेल, जब तेल गर्मा जाए तो उसमें चॉप्ड कुमाला ऐड करो और उसके अच्छा से पका और थोड़ा थोड़ा से नमक भी छोड़ो कि थोड़ा लाइटली, और उसके अच्छे से पकाओ। जब कुमाला अच्छा से क्रिस्पी हो जाए तब उसके निकाल के एक डिश में रख लो, उसके हम लोग बाद में यूज करेगा। अब वेला फ्राइंग पैन में थोड़ा से और तेल छोड़ो, फिर उसमें ऐड करो जीरा और जीरा के थोड़ा से अच्छा से भुजान दो लाइट ब्राउन। फिर उसमें ऐड करेगा करी लीव्स और क्रश जिंजर के पेस्ट। तब उसके अच्छा से पकाओ, फिर जिंजर जब थोड़ा से ब्राउन हो जाए, अच्छा से भुजाया जाए, तब फिर उसके उसमें हम लोग ऐड करेगा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स रही हम लोग के कैरेट्स और बीन्स जो हम अपन गार्डन में से उखाड़ के लाए रहा। तो उसके अच्छा से पकाओ, थोड़ा सोटाई करो कि इसे नाइस एंड टेंडा हो जाए। फिर उसमें हम लोग ऐड करेगा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रही चोरैया के भाजी जो हम अपन गार्डन में से लाए। तो उसके चॉप्ड चोरैया के भाजी छोड़ के और उसके थोड़ा देरी अच्छा से पकाओ कि दम चोरैया मांगो अच्छा से पक जाओ। तो फिर उसके बाद में उसमें ऐड करो मकाई, तो मकाई के भी पकाए के पड़ी थोड़ा देरी अच्छा से कि मकई भी कच्चा नहीं रह जाए। उसके बाद में हमको नेक्स्ट आइटम और इंग्रेडिएंट रही चना, बॉयल चना। दन चना हम पहले से बॉयल करके उसके रख लिया रहा। फिर उसमें जो हम लोग पहले बनाए रहा कुमाला ऐड करो, फिर चिली पाउडर ऐड करो, चाट मसाला ऐड करो, हल्दी ऐड करो और नमक ऐड करो। हम चना चाट मसाला ऐड करा बिकॉज हम मानता कि हमारा जो स्नैक है वो थोड़ा ऐसे खट्टा मीठा टाइप रहे, तो चाट मसाला थोड़ा खट्टा मीठा टाइप रहे तो वो अच्छा लगे खाए में। फिर उसके अच्छा से मिक्स करके और दम लो हीट में पकाओ और उसमें फिर ऐड करो स्प्रिंग अनियंस, चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस और थोड़ा से इटालियन स्पाइसेस हर्ब्स, उसमें ढेर चीज मिक्स है इटालियन हर्ब्स में। और उसमें फाइनली ऐड करो धनिया के पत्ता और बन गए हम लोग के स्नैक, उसके एंजॉय करो। और थोड़ा सा स्नैक हम बचाए कि उसके हम कन्वर्ट करेगा कुमाला फ्राइड राइस में। सो उसमें हम ऐड करेगा पार्बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड मिलेट और थोड़ा से
सोए सॉस, और उसमें अगर हमें लगे कि नमक कमती है तो हम ऐड करेगा, और चेक करके अगर हमें जनाए कि नमक ठीक है तो हम नहीं ऐड करेगा, वो तो हम बाद के बात है, हम देखेगा कि हम ऐड करें तक ही नहीं। और उसके अच्छा से मिलाओ और देखो बन गए हम लोग के हेल्थी कुमाला फ्राइड राइस। कुमाला के बहुत यूसेज है, इन्हीं की खाली कुमाला बॉयल करके खावा जाए, कुमाला के फ्राइड राइस बनाओ, कुमाला के फ्राई बनाओ। यहाँ हम देखा फ्राइड कुमाला भी मिले, देखो हमारे हेल्थी फ्राइड राइस बन गए हैं, और आप लोग भी बनाना और ट्राई करना और हमें बताना कि कैसे बना। तो हम अपन फ्राइड राइस के संग खा रहा दाल और ब्रोकली, बैलेंस्ड डाइट।
हम वापस आ गया है। आई होप आप सब लोग के हमारे वीडियो अच्छा लगा और हमारा कुमाला स्नैक और कुमाला फ्राइड राइस भी अच्छा लगा। और आप लोग ट्राई करना और हमें बताना कि कैसे रेसिपी बना। और हम आप लोग के गार्डन सेंटर भी लेके गए घुमाए। आई होप आप लोग ने गार्डन सेंटर एंजॉय करा। अब तो यहाँ गार्डन सेंटर के सीज़न क्लोज होने लगा है। अब जो कुछ गार्डन सेंटर बची वो सब भेज गई इंदौर। तो हम वीडियो यहीं फिनिश करता है और आप सब लोग अपन टेक क्या करना, कोविड से बचाव करना और एंजॉय लाइफ। और सब के जय सिया राम।